हेलो एवरीवन, मेरा नाम सत्यम है और मैं आप लोगों का क्लास लीव लर्निंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की मुफ्त में तैयारियां कराई जा रही हैं और मैं आप लोगों की जनरल साइंस की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पिछले क्लासेस में हमने जनरल साइंस के सिलेबस डिस्कस किया था कि क्या हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो अब मैं क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज हमारा पहला लेक्चर होगा, तो शुरुआत हम फिजिक्स से करेंगे। तो फिजिक्स में आज हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन बोलता है, वे सभी क्वांटिटी जिन्हें एक न्यूमेरिकल वैल्यू द्वारा व्यक्त किया जा सकता है उस तथा मेजर किया जा सकता है उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल लेंथ, डिस्टेंस। तो कहने का मतलब यह है कि वैसे क्वांटिटी जिन्हें हम न्यूमेरिकल वैल्यू दे सके और मेजर कर सके। ऐसे कई सारे क्वांटिटी हैं जिन्हें हम न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे सकते हैं ना ही मेजर कर सकते हैं। जैसे आप दुखी हैं कि खुश, कितने खुश हैं, ये चीज में हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे सकते हैं। जैसे आप बोलिएगा कि मेरा एनटीपीसी क्लियर हो जाएगा तो मैं बहुत खुश होऊंगा। ठीक है भाई, आप बहुत खुश होइएगा, आप मेहनत कीजिएगा, जरूर आपकी क्लियर हो जाएगी। आपके फैमिली में लोग बहुत खुश होंगे जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो लेकिन क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैं बहुत खुश होऊंगा, 10 केजी खुश होऊंगा, 100 मीटर खुश होऊंगा, 2 किलोमीटर खुश होऊंगा? ऐसा नहीं कह सकते हैं। आप कितने खुश होंगे, कितने हैप्पी होंगे, ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया जा सकता इसे। आप बहुत खुश होंगे बस ऐसा कह सकते हैं, खुशी होगी मुझे, फैमिली वाले खुश होंगे, फ्रेंड्स खुश होंगे, लेकिन कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया जा सकता है। उसी तरह से कोई दुखी होगा तो कितना दुखी होगा। कल कोई आईपीएल क्रिकेट देख रहा है, कोई टीम को सपोर्ट कर रहा है, उसकी फेवरेट टीम हार गई तो वो दुखी होगा, लेकिन कल कितना दुखी था वो आदमी, उसकी फेवरेट टीम हार गई तो कहेंगे कि क्या वो 10 मीटर दुखी था, 5 न्यूटन दुखी था, 10 ग्राम दुखी था, ये सब नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते, नहीं हम इन चीजों को कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं ना ही मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आएंगी। फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ वही फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ वही क्वांटिटी जाएंगी जिन्हें हम न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं तथा मेजर कर सकते हैं। जैसे लेंथ, डिस्टेंस, फोर्स, ये सभी हमारे फिजिकल क्वांटिटी में आएंगी क्योंकि हम इन्हें न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। जैसे कि आप बोलते हैं ना कि पर्टिकुलर प्लेस से मेरा घर 2 किलोमीटर दूर है, तो वो दूरी को आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहे हैं। जैसे स्टेशन से मेरा घर 10 किलोमीटर दूर है, तो उस पर्टिकुलर चीज को आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू से बता रहे हैं, 10 किलोमीटर दूर है, एक वैल्यू दे रहे हैं, मेजरमेंट बता रहे हैं। मेरा वेट 50 केजी है, तो आप अपने वेट को एक 50 केजी दे रहे हैं, 50 एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहे हैं, केजी एक यूनिट दे रहे हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू से किसी चीज को मेजर कर सके ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी में एग्जांपल क्या आ जाएगा, लेंथ 10 मीटर, 100 मीटर, किलोमीटर, डिस्टेंस, डिस्टेंस भी 10 मीटर डिस्टेंस हो सकता है, 20 मीटर डिस्टेंस हो सकता है। फोर्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि फोर्स को हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, 10 न्यूटन का फोर्स, 15 न्यूटन का फोर्स। तो फोर्स भी क्या हो गया, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। फिजिकल क्वांटिटी हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। अब हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी आखिर कितने तरीके के होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप्स हैं, फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार के होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी हमारे दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के हमारे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जो कि फिजिक्स में पढ़ा जाता है। हर चीजों को स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर में बांटा जाता है। तो फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के कौन कौन से हैं, पहला है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि फिजिक्स में हर जगह यूज होता है। तो क्या डिफरेंस है, आइए देखते हैं उसके डेफिनेशन में। तो स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन बोलता है, वे फिजिकल क्वांटिटी जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, उन्हें स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे डिस्टेंस, एरिया, स्पीड, मास, ईटीसी। जैसे मास ही को ले लेते हैं, आप बोल रहे ना कि पर्टिकुलर क्वांटिटी का वेट 5 केजी है, तो ऐसा थोड़ी बोलते हैं 5 केजी नॉर्थ में है, 5 केजी साउथ में है। कोई डायरेक्शन बता के आप नहीं बताते हैं किसी चीज का वेट कितना है, आप सिर्फ बोल देते हैं 5 केजी है।
तो आपने क्या बताया, उसका मैग्नीट्यूड बताया, उसमें आपने डायरेक्शन नहीं दिया। तो ऐसे स्केलर क्वांटिटी, जिस ऐसे क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो इसका एग्जांपल हो गया डिस्टेंस, एरिया, स्पीड, मास। उसके बाद आते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी में। तो वेक्टर क्वांटिटी का डेफिनेशन है वे फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें व्यक्त करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है, उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इसमें दोनों है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और इसमें डायरेक्शन भी है। ये हमारा डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वेक्टर क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर बनाने में डायरेक्शन जहां आ गया, वो क्वांटिटी स्केलर से क्या हो जाएगी, वेक्टर हो जाएगी। तो वेक्टर में हमारा एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, और भी कई सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब यहां पे आप देख रहे होंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीजें हम अभी आगे धीरे 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 पढ़ेंगे तो आपको काफी चीजें क्लियर होगी। जैसे अभी सिर्फ आप इतना जानिए, अगर मैं 10 मीटर लिखूं, अगर मैं 10 मीटर लिखूं, तो ये सिर्फ एक मैग्नीट्यूड बता रहा है किसी दूरी का, तो ये डिस्टेंस हो गया, ये क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी में आ गया। लेकिन अगर मैं लिखूं 10 मीटर नॉर्थ, क्या लिखा मैंने, 10 मीटर नॉर्थ, तो ये तो मैग्नीट्यूड तो बता ही रहा है, साथ में डायरेक्शन भी बता रहा है। तो जहां मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों आ गया, वो क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी देखा, स्केलर क्वांटिटी देखा, वेक्टर क्वांटिटी देखा। तो हर जगह आप देख रहे हैं कि मीटर आ रहा है, 5 kg लिखते हैं। किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम नंबर तो देते हैं साथ में, एक और साथ में उसके बाद लिखते हैं केजी, मीटर, टाइम के साथ अगर लिखते हैं तो 5 सेकेंड। तो ये सब चीजें जो केजी, मीटर, सेकेंड, ये हैं, ये सब यूनिट करते हैं इन्हें। तो ये क्वांटिटी पढ़ने के बाद, स्केलर वेक्टर जानने के बाद हम यूनिट देखने जा रहे हैं। अब हमने देखा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर एंड वेक्टर देखा, अब हम देख रहे हैं यूनिट। तो यूनिट का डेफिनेशन कह रहा है वो मैग्नीट्यूड मेजर जिससे तुलना करके फिजिकल क्वांटिटी मेजर किया जाता है, वो मैग्नीट्यूड मेजर जिससे तुलना करके फिजिकल क्वांटिटी मेजर किया जाता है। जैसे लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर है, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड है, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है। अब वो मैग्नीट्यूड मेजर, वो मैग्नीट्यूड मेजर क्या है, जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो आप कहीं से कुछ 2 kg का सामान खरीदेंगे एक पर्टिकुलर मार्केट से, दूसरे मार्केट से वही सामान 2 kg का खरीदेंगे, दोनों सामान को लाएंगे तो दोनों 2 kg तो सेम ही है ना। ऐसा नहीं ना कि इसका 2 kg ज्यादा होगा और दूसरे मार्केट का 2 kg कम होगा चाहे ज्यादा होगा, दोनों 2 kg सेम होगा, क्योंकि दोनों ने एक पर्टिकुलर 1 kg का यूज करके, 2 kg का यूज करके दोनों को मेजर किया है, तब आपको दोनों अलग अलग मार्केट से भी 2 kg का सामान क्वांटिटी एक ही मिल रहा है। तो वही जो एक फिक्स्ड क्वांटिटी है कि 1 kg का वजन इतना होगा, 2 kg का वजन इतना होगा, उसी वही मैग्नीट्यूड मेजर, उसी से तुलना करते हैं ना। 1 kg फिक्स है, उसी को 2 टाइम ले लेंगे तो 2 kg हो जाएगा, उसी को 3 टाइम ले लेंगे तो 3 kg हो जाएगा, उसी को 4 टाइम ले लेंगे तो 4 kg हो जाएगा। तो वही मैग्नीट्यूड मेजर, उसी से तुलना करके हम फिजिकल क्वांटिटी का मेजर करते हैं, मेजर किया जाता है। तो वही हो गया यूनिट। तो यूनिट में भी जैसे लेंथ का यूनिट मीटर है, तो लिखते हैं ना 10 मीटर, ये हमने एक न्यूमेरिकल वैल्यू तो दिया फिजिकल क्वांटिटी को, लेकिन साथ में मीटर लिखा। तो मीटर जो हमने साथ में लिखा फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, दिखाने के लिए, ये जो मीटर लिखा यही यूनिट है। 1 मीटर फिक्स है, 1 मीटर फिक्स है सबके लिए, सबका स्केल ऐसा तो नहीं है ना कि आपका कोई फ्रेंड मेजर करेगा तो 1 मीटर उसके लिए कुछ और होगा, कोई और मेजर करेगा उसके लिए कुछ और होगा, और आप अपने 1 मीटर अपना खुद से घर में बना लीजिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। एक स्टैंडर्ड डिफाइन है कि 1 मीटर इतना ही होगा, उसको लेके ये 10 मीटर मेजर किया जाता है, सब लोग 10 मीटर मेजर करेगा उतना ही आएगा। उसी उस तरह से टाइम का सेकंड जैसे लिखते हैं ना 5 सेकंड, तो ये जो सेकंड है यही यूनिट है। फोर्स का यूनिट न्यूटन है, 20 न्यूटन, न्यूटन से डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं न्यूटन को, तो लिखेंगे 20 न्यूटन। इसका मतलब 20 न्यूमेरिकल वैल्यू है और न्यूटन उसका यूनिट है। ये दोनों साथ में रहेगा तो कोई भी कह देगा कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बातें हो रही हैं, फोर्स के बारे में। तो ये देखा हमने यूनिट, यूनिट का इंपॉर्टेंस, यूनिट के बिना फिजिकल क्वांटिटी बिल्कुल अकेला है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या फिजिकल क्वांटिटी है, वो कुछ सिग्निफिकेंस नहीं बनता है बिना यूनिट के।
तो यूनिट का ये इंपॉर्टेंस है। तो यूनिट में जब आगे बढ़ेंगे तो हम पाएंगे दो तरह के यूनिट होते हैं। कितनी तरह के यूनिट होते हैं? दो तरह के, एक होता है फंडामेंटल यूनिट और दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट वैसे बेसिक क्वांटिटीज का यूनिट है जैसे लेंथ, मास, टाइम, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं, जिनको गुना भाग करके कहीं और से नहीं मिलता है, वो आपस में रहते हैं। जैसे बेसिक क्वांटिटी, जैसे लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। ये डिफाइंड है, इसको कहीं से लाना होना नहीं है। लेंथ का डिफाइंड है कि यूनिट क्या होगा? मीटर। तो वो फंडामेंटल यूनिट में आता है, एकदम बेसिक क्वांटिटी है लेंथ। लेंथ का यूज करके आगे कई चीजें बनती हैं, एरिया बनता है, वॉल्यूम बनता है। उसी तरह से मास, मास भी एक बेसिक क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या है? केजी। तो ये भी फंडामेंटल यूनिट में आएगी। उसी तरह से टाइम क्या है? सेकंड। आगे हम लिस्ट देखेंगे कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट है, सबके यूनिट देखेंगे, सिंबल देखेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। तो डिराइव्ड यूनिट के बारे में पहले जानते हैं। तो डिराइव्ड यूनिट वैसी यूनिट है जो फंडामेंटल यूनिट से बनी है। डिराइव्ड यूनिट वैसी यूनिट है जो फंडामेंटल यूनिट से बनी है, खुद से नहीं है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है किस पे? फंडामेंटल यूनिट से। जैसे स्पीड, स्पीड क्या होती है? स्पीड होता है लेंथ बाय टाइम। तो इसका यूनिट स्पीड का होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर देखिए तो कहां से आया है, क्या मीटर फंडामेंटल यूनिट में है? बिल्कुल है। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो मीटर कहां से आया? फंडामेंटल यूनिट से। सेकेंड कहां से आया? फंडामेंटल यूनिट से। तो मीटर सेकेंड फंडामेंटल से यूनिट आया और उन दोनों का यूज किया तो हमें किसका यूनिट मिल गया? स्पीड का। तो ये डिराइव्ड यूनिट हुआ ना, किसी का यूज किया हमने, कोई दो पर्टिकुलर फंडामेंटल यूनिट का यूज किया यहाँ, ये कुछ डायरेक्ट खुद से इंडिपेंडेंट नहीं है। दैट्स व्हाई, इसीलिए इसको कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। उसी तरह से एरिया, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सिर्फ मीटर नहीं है, मीटर स्क्वायर, यानी दो बार मीटर यूज हुआ है, मीटर इंटू मीटर। तो ये मीटर कहां से आया? मीटर आया फंडामेंटल यूनिट से। लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। उसको हमने दो बार यूज करके मल्टीप्लाई किया तो एरिया का यूनिट आ गया मीटर स्क्वायर। तो ये देखा हमने फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। अभी हम इसकी लिस्ट देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होती है। कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, वो अभी हम देखते हैं। तो हम देख रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या है कि अभी के टाइम तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट हर जगह यूज होती है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन पहले क्या था कि कंट्रीज वाइज सिस्टम डिवाइडेड था यूनिट का, ठीक है, कंट्री वाइज, कुछ पर्टिकुलर कंट्री में कुछ और सिस्टम फॉलो होता था, कुछ पर्टिकुलर कंट्री में कुछ और सिस्टम, और कुछ पर्टिकुलर कंट्री में कुछ और सिस्टम। ये मेनली तीन सिस्टम ऑफ यूनिट थे जो कि हर अलग अलग कंट्री में उसके अकॉर्डिंग फॉलो होते थे, जैसे CGS, FPS, MKS। ये तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे CGS में लेंथ, लेंथ यानी डिस्टेंस, लेंथ का यूनिट होता था सेंटीमीटर, लेंथ का यूनिट होता था सेंटीमीटर, लेंथ का यूनिट होता था सेंटीमीटर। और CGS में मास का यूनिट होता था, मास का यूनिट होता था ग्राम, और टाइम का यूनिट होता था सेकंड। CGS में टाइम का यूनिट होता है लेंथ, लेंथ का यूनिट होता है सेंटीमीटर, मास का ग्राम, टाइम का सेकंड। उसी तरह से FPS सिस्टम में लेंथ का यूनिट होता है फुट, मास का यूनिट पाउंड, और टाइम का सेकंड। और MKS सिस्टम जो है इसमें लेंथ का यूनिट होता है मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड। तो ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट यूनिट फॉलो होता था, चाहे अभी भी कहा जाता है कि इन तीनों सिस्टम यूनिट में ऐसा एग्जिस्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिट होते थे, तीन सिस्टम ऑफ यूनिट होते थे, तो काफी परेशानियां होती थी वर्ल्ड में, डिफरेंट डिफरेंट जगह काफी परेशानियां होती थी कोई भी चीज को मेजर करने के लिए वर्ल्ड वाइड। तो डिस्कशन करके एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट डिसाइड किया गया, पूरे वर्ल्ड के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट होगा जिसको बोला गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको बोला गया SI, जिसको क्या बोला गया SI, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो आई थिंक 1960 के अराउंड वो डिसाइड हुआ था कि पूरे वर्ल्ड में एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट फॉलो किया जाएगा। तो 1960 में के अराउंड एक डिसाइड किया गया कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट फॉलो किया जाएगा, जो कि करीब करीब ये MKS सिस्टम को ही अपना लिया गया। तो अभी हम देखेंगे कि क्या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। अभी हम लिस्ट ऑफ
लॉजिकल क्वांटिटीज कुछ देखेंगे, कुछ बेसिक क्वांटिटीज, उसके सिंबल, उसके क्या यूनिट होते हैं, वो चीजें हमें पता होनी चाहिए, वो एग्जाम में आती हैं। कुछ डिराइव यूनिट के फिर स्टैंडर्ड यूनिट्स देखेंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में क्या उसके यूनिट डिफाइंड है, और उसके सिंबल देखेंगे, जो कि हमें एकदम बिल्कुल जरूरी है एग्जामिनेशन के लिए। एग्जामिनेशन में डायरेक्ट यूनिट पूछता है, हर किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट पूछता है, तो आपको याद होना चाहिए। यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे तीन सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ऐसे कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके तीनों फिजिकल सिस्टम में यूनिट सेम होते हैं, तो किसके सेम है आप देखिए, देख के बताइए किसके सेम है, सेकेंड के, किसके सेम है, सेकंड के, टाइम के, तीनों में क्या है, सेकंड सेकंड सेकंड, तो टाइम का क्या है यूनिट तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सेम है। तो अब हम तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखा, अब हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखते हैं। तो ये हम देख रहे हैं कुछ लिस्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट, तो ये हम देख रहे हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट है ये, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। तो ये कुछ बेसिक क्वांटिटी है, जैसे लेंथ, लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर, और सिंबल है एम, उसको एम से डिनोट करते हैं। फिर है मास, मास का स्टैंडर्ड यूनिट है किलोग्राम, किलोग्राम का सिंबल है केजी, सिर्फ केजी लिखेंगे तो समझा जाएगा कि क्या है, किलोग्राम है। उसके बाद टाइम, टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट है सेकेंड, इसको सिर्फ एस से डिनोट करते हैं, उसका सिंबल एस है। फिर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का स्टैंडर्ड यूनिट है एम्पियर, एम्पियर का सिंबल है ए। फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट है केल्विन, और केल्विन का सिंबल है कैपिटल ए। फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट है केल्विन, और उसका सिंबल है के। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का स्टैंडर्ड यूनिट है मोल, और उसका सिंबल है MOL, लिखेंगे सिर्फ मोल, अगर लिखा जाएगा 5 मोल, MOL इसका मतलब कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, 5 मोल, वो पर्टिकुलर 1 मोल डिफाइंड है कि इतना होगा, उसके बारे में भी हम केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, वो केमिस्ट्री का पार्ट है। फिर है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका स्टैंडर्ड यूनिट है कैंडेला, और कैंडेला का सिंबल है C और D, सी और डी जहां लिखा जाएगा उससे क्या पता चलेगा कि वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी बता रहा है। तो ये हमने देखा कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, ये 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कौन कितने बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो उसका नंबर हमें 7 याद रखना है, क्या होगा उसका आंसर, 7, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनके स्टैंडर्ड यूनिट एंड सिंबल, जो कि आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्ट किसी का भी यूनिट पूछ सकता है और आपको याद होना चाहिए। तो ये फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक क्वांटिटीज आपने देखा, अब हम देखने जा रहे हैं कुछ डिराइव, लिस्ट ऑफ डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, उसके स्टैंडर्ड यूनिट और उसके सिंबल क्या है, कुछ है कुछ 30-31 लिस्ट है शायद, मैं देखता हूँ उसको बताने जा रहा हूँ। हाँ, तो ये आपके सामने आप देख रहे हैं, ये लिस्ट ऑफ डिराइव यूनिट्स है, स्टैंडर्ड यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में डिराइव यूनिट्स के ये यूनिट्स होते हैं और ये सिंबल होते हैं। तो जैसे सबसे पहला है एरिया, तो एरिया का जो स्टैंडर्ड यूनिट वो है स्क्वायर मीटर, जो कि मीटर स्क्वायर से डिनोट किया जाता है, मीटर के पावर में 2 लिख देंगे तो वो क्या पता चलेगा कि स्क्वायर मीटर है। उसी तरह से वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का जो स्टैंडर्ड यूनिट वो होता है क्यूबिक मीटर, उसको रिप्रेजेंट करते हैं मीटर क्यूब से, मीटर के ऊपर पावर 3 दे देंगे तो। फिर वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर पर सेकेंड, इसको मीटर पर सेकेंड, मीटर फिर स्लैश एस लिखा जाता है, तो इससे क्या पता चलेगा कि ये हमारा सिंबल है मीटर पर सेकेंड का, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट है वेलोसिटी का। इसी तरह से आप एक लिस्ट देख रहे हैं आपके सामने, ये हर डिराइव, कई सारे डिराइव यूनिट्स के स्टैंडर्ड यूनिट है एंड उसके सिंबल है, तो ये आपको याद होनी चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने देखा स्टैंडर्ड यूनिट, डिराइव यूनिट्स क्या होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक सर प्रीफिक्सेस फॉर पावर ऑफ 10, प्रीफिक्सेस फॉर प्रीफिक्सेस फॉर पावर 10, पावर ऑफ 10 को लिखने का कुछ तरीका है, ठीक है, तो वही अभी हम देखते जा रहे हैं।
जैसे हम लिखते हैं 10, तो 10 लिखते हैं तो हम देखेंगे कि इस नंबर में डिजिट में कितने जीरो है, ठीक है, कितने जीरो है, तो 10 में कितना जीरो है, एक। तो इसको लिखा जाता है, जब पावर में लिखने का तरीका क्या है कि जितने जीरो है पावर में उतने नंबर लिख देते हैं। जैसे इसमें जीरो नंबर, जीरो कितना है 1, तो पावर में लिख देंगे 10^1। क्या लिख देंगे? 10^1। उसमें से 1 देखेंगे, इसमें कितना, कितने नंबर ऑफ जीरो है, 1 के ना पीछे जीरो है ना इस साइड, को जीरो है ही नहीं 1 के बाद। तो इसके पावर में क्या लिख देंगे, कितने जीरो है, नहीं है तो कितने जीरो है, जीरो जीरो है, तो 10^ क्या लिख देंगे, जीरो। इससे क्या पता चलेगा कि जीरो है ही नहीं। उसी तरह से अगर 2 जीरो है तो 10^ क्या हो जाएगा, 2। 3 जीरो है तो क्या हो जाएगा, 10^3। और अगर ऐसा रहे 1/10, अगर 10 डेनोमिनेटर में आ जाए फ्रैक्शन के, 10 डेनोमिनेटर में आ जाए फ्रैक्शन के, तब इसको पावर में लिखने का क्या तरीका है, तब भी पावर में 1 ही आएगा, तब भी नंबर ऑफ जीरोस को देखेंगे, एक जीरो है तो पावर में 1 ही आएगा। लेकिन ये डेनोमिनेटर में है, रेसिप्रोकल है, डेनोमिनेटर में है तो पावर में एक और चीज आ जाएगा, नंबर तो 1 रहेगा क्योंकि 1 जीरो है, पावर में और क्या आ जाएगा, निगेटिव साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक निगेटिव साइन आ जाएगा। ऐसे लिखेंगे 10^-1, माइनस नेगेटिव साइन आ गया क्योंकि 10 नीचे गया है डेनोमिनेटर में, और 1 क्यों लिखा गया, क्योंकि 1 जीरो है। उसी तरह से अगर 1/100 है, तो 1/100 है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2, 2 जीरोस है और क्या है, डेनोमिनेटर में है, तो ऐसे लिखेंगे 10^-माइनस साइन आ गया क्योंकि नीचे में है फ्रैक्शन के, और 2 आ गया क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2। तो ये 10^ लिखने का तरीका है जो कि अभी यूज होगा। तो ये कुछ स्टैंडर्ड यूनिट के प्रीफिक्सेज है जो कि यूनिट के साथ यूज होते हैं। प्रीफिक्स मतलब जो बाद में लगता है, जैसे अगर 10^-12 रहे तो उसको पीको बोलेंगे, 10^-9 रहे तो उसको नैनो बोलेंगे, 10^-6 रहे तो उसको माइक्रो बोलेंगे, 10^-3 मिली है, 10^-2 सेंटी है, 10^-1 डेकी है, 10 डेका है, 10^2 हेक्टो है, 10^3 किलो है, 10^6 मेगा है, 10^9 गीगा है, 10^12 तेरा है, और 10^15 क्या है, पेटा है। तो ये प्रीफिक्सेस हैं पावर में, ये आपको याद होने चाहिए कौन क्या है। जैसे मैं एक किलो का एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं, जैसे हम लिखते हैं ना 1 किलोमीटर, तो इसमें होता है 1000 मीटर। क्या होती है, 1000 मीटर। तो यहां क्या है, कितने जीरो है, 10^3, तो 10^3 मीटर। तो जहां 10^3 पता चलेगा कि हमको लगेगा यहां कुछ ना कुछ किलो आ रहा है, 10^3 मीटर लिखा है तो किलो है, किलोमीटर, वो किलो प्रीफिक्स यूज होगा। तो इसका ये सिग्निफिकेंस है, जैसे 1 किलोग्राम, ये किसके इक्वल है, 1000 ग्राम के इक्वल है। तो ये क्या हो गया, 10^3 ग्राम। तो यहाँ पे किलो यूज हुआ है क्योंकि 10^3 आ रहा है। तो उसी तरह बाकी चीजें भी यूज होंगी। तो ये प्रीफिक्स का यूज कैसे होता है ये हमने देखा। अभी आप देख सकते हैं कि कुछ मैंने इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट लिखे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है। जैसे पहला पॉइंट बोलता है लाइट ईयर यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस दिखाने के लिए। लाइट ईयर क्या है, यूनिट है, एक डिस्टेंस दिखाने के लिए, कौन से डिस्टेंस, एस्ट्रोनॉमिकली डिस्टेंस। और एस्ट्रोनॉमिकली डिस्टेंस क्या होती है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होती है एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अर्थ,
ये जो सन है हमारा, जानते हैं कि सन है और ये हमारा प्यारा सा अर्थ है। तो जो डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में, अगर वो मीटर किलोमीटर में दिखाने लगे तो फिर लिखते रहेंगे कभी खत्म ही नहीं होगा। तो वो लाइट ईयर में दिखाई जाती है क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है, तो इस पर्टिकुलर एस्ट्रोनॉमिकली डिस्टेंस को हम लाइट ईयर के यूनिट के थ्रू दिखाते हैं, लिखते हैं, शो करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है पहले भी एग्जामिनेशन में। तो ये आपको एकदम याद होने चाहिए, इसको नोट किया दीजिए। फिर है दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लाइट का जो स्पीड होता है वैक्यूम में वो होता है 3×10⁻¹ मीटर पर सेकेंड। अभी जब हम लाइट चैप्टर पढ़ेंगे तब भी ये लाइन पढ़ेंगे, फिर भी आप नोट कीजिए क्योंकि ये भी पूछता है कि लाइट का स्पीड वैक्यूम में क्या होगा, तो वो होता है 3×10⁻¹ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने कुछ दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ लिस्ट ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूजेज लिखा हुआ है। जैसे पहला है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर क्या होता है, ये मेजर करता है अल्टीट्यूड को, मीन्स ऊंचाई को मेजर करता है। ये एयरक्राफ्ट में यूज होते हैं। फिर आप दूसरा देख सकते हैं एमीटर। एमीटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट यूज मेजर करने में यूज होता है। हम अभी इलेक्ट्रिक करंट जब चैप्टर पढ़ेंगे तब फिर इस डिवाइस के बारे में जानेंगे, लेकिन आपको यही पे मैं बता दे रहा हूँ कि ये एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने में यूज होता है। फिर है एनीमोमीटर, यूज्ड फॉर मेजरिंग विंड स्पीड एंड डायरेक्शन। फिर है ऑडियोमीटर जो कि साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करने में हेल्प करता है। फिर है बारोग्राफ जो कि कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने में यूज होता है, कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करता है एटमोस्फेरिक प्रेशर को। फिर है बैरोमीटर जो मेजर करता है एटमोस्फेरिक प्रेशर। उस तरह से बाइनोकुलर्स, बोलोमीटर, कैलिपर्स, कैरियोमीटर, कैरिडोग्राम, कॉम्यूटर, शायरोमीटर, डायनोमोमीटर, इलेक्ट्रोस्कोप, ये लिस्ट आप देख सकते हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट क्या यूज है। चाहे आपके क्वेश्चन में यूजेस दे देगा, आपको बताना है कि कौन से साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का ये यूजेज है, तो आपको याद होने चाहिए कि पर्टिकुलर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का पर्टिकुलर यूज है और इस पर्टिकुलर यूज होने वाले साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का नाम ये है। तो ये आपने देखा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का नाम। तो आज हमने यूनिट देखा, मेजरमेंट देखा, उसके पहले फिजिकल क्वांटिटी देखी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। फिर हमने यूनिट्स के बारे में काफ़ी डिटेल्स में देखा कि स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, हमने कई चीज़ें आज डिस्कस की। तो आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं मोशन स्टार्ट करूँगा। सो आप इस क्लासेज आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाकियों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये जो हमारी पहल है RRB NTPC की तैयारी की वो सबके तक पहुँच सके। सो आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।